जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अभी अभी सरकार का एक और बड़ा भयंकर फैसला देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा रविवार के दिन जनता कर्फ्यू रखा सरकार ने, और उसी जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद ही कई सारे और बड़े फैसले भी लिए। हमने आपको DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट भी बताए थे, लेकिन ठीक आज सुबह ही मीडिया में जो बड़ी खबरें आ रही है उन्हें जानकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने जो कुछ भी फैसले लिए हैं वो सब मानव जाति की भलाई के लिए और स्पेशली हिंदुस्तान के भारतीय नागरिकों के भलाई के लिए ही लिए। इसलिए हमें दिल से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और उन फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए। आइए आपको बता रहे दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की मॉर्निंग की ताजा क्या बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आज दिन भर के तमाम अपडेट्स के साथ में आपको फटाफट से ये अपडेट बताते हैं। दोस्तों देख पा रहे, पहला अपडेट तो कि कोरोना वायरस से एक ही दिन में 3 और लोगों की मौत हुई है। संक्रमित लोगों की संख्या 396 तक पहुंच चुकी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल शाम तक ये अपडेट था कि कोरोना वायरस की वजह से 15 राज्यों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया और देश के कई जिलों में भी पाबंदी लगा दी। लेकिन अभी जो एक और ताजा अपडेट आ रहा उसके अनुसार दोस्तों 15 नहीं बल्कि देश के 23 राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि राज्य सरकारों ने भी, और इसके अलावा केंद्र सरकार ने 75 जिलों के अंदर लॉकडाउन ऑलरेडी लगा रखा 31 मार्च 2020 तक, आपको पता होगा। अच्छा, अब ऐसे में दोस्तों लॉकडाउन में यह सिस्टम रहता है कि पूरा राज्य बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। ना ही बाहर से कोई राज्य में आ सकता, ना ही राज्य से कोई बाहर जा सकता, जब तक कि कोई इमरजेंसी काम ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मार्केट, दुकानें, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन लॉकडाउन के सिस्टम में लोग घर से बाहर भी ना निकल सकते हैं। मार्केट भी पूरी तरह से बंद होता है, सिर्फ आवश्यक सामग्री वाली चीजें, सब्जी, दूध, राशन की दुकानें, मेडिकल शॉप्स, ये चीजें खुली रहेगी। अंतर्राज्यीय बसें भी 31 तारीख तक बंद है। सभी यात्री ट्रेनें, मेट्रो वगैरह सब कुछ को 31 तक बंद कर दिया। देख पा रूंगे सारांश इस खबर का कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के 23 राज्यों में विभिन्न राज्यों के 82 जिले को बंद कर दिया। अब दोस्तों कुछ कुछ राज्यों में तो पूरे स्टेट में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। कुछ राज्यों में किसी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर किन्हीं जिलों में जिनमें संक्रमण इन्फेक्शन ज्यादा फैला हुआ उन जिलों में लॉकडाउन किया गया ताकि उसी राज्य के दूसरे जिलों में वो इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। पूरी जानकारी आपको थोड़ी विस्तार से बताएंगे। मोदी सरकार की तरफ से कुछ और भयंकर फैसले लिए गए वो भी आपको बताएंगे। देख पा रहे कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन सिस्टम किया गया है, तो राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ में इनमें लॉकडाउन कर दिया और इसके साथ बाकी राज्यों में भी आंशिक पाबंदी लगा दी गई। वैसे दोस्तों आप इन राज्यों में से ही किसी राज्य में रहते हैं या फिर किसी और राज्य में रहते हैं, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर आपके राज्य से संबंधित अगर सरकार का कोई बड़ा फैसला आएगा तो भी मैं आपको मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, आपके मोबाइल तक मतलब खबर न्यूज अपडेट तुरंत पहुंचा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में देख पा रहा हूं दोस्तों कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और दहशत के बीच जहां देश में पहली बार 10 दिनों के लिए सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई है 31 तक, आपको पता होगा। मुंबई लोकल समेत लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली व नोएडा मेट्रो ने भी और सभी राज्यों में अंतर्राज्यीय बस सेवा भी 31 मार्च तक नहीं चलेगी। दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सहित 23 राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सहित 17 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को भी लॉकडाउन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्र और कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में रविवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें विभिन्न राज्यों के 82 जिलों को सेलेक्ट किया गया जिनको लॉकडाउन करने का फैसला हुआ, जिनमें संक्रमण के मरीज मिले हैं या मौतें हुई हैं। अधिकारियों ने कहा दोस्तों कि यह फैसला संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया गया। शनिवार रात राजस्थान, मिजोरम में पूर्ण लॉकडाउन के बाद रविवार को दिल्ली, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ में भी पूर्ण तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया और बाकी राज्यों में आंशिक बंदी यानी कि कुछ जिलों में लॉकडाउन रहा। 31 तारीख तक सिर्फ मालगाड़ियां चलेगी ताकि एक दूसरे की जरूरत की चीजों की आपूर्ति बनी रहे और जरूरतमंद चीजों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद में फैक्ट्रियां सब कुछ 31 तारीख तक बंद हो चुकी है। इन राज्यों के ये जिले लॉकडाउन है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिले लॉकडाउन है। बाकी दोस्तों कई राज्यों में तो ऑलरेडी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, तो लॉकडाउन को लेकर तो फिलहाल का ताजा अपडेट ये रहा। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर और जो अभी तक के ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं ना, वो भी आपको फटाफट से अलर्ट रिवाइज करवा देते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश में अब तक कोरोना वायरस के टोटल 396 केस हो चुके हैं। यूके व मलेशिया में 280 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। ट्रंप के सीनेटर दोस्त भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। जहां लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट कोरोना वायरस को लेकर देख पा रहे होंगे, इसके मामलों की संख्या भारत में सुबह तक लगभग 400 के आसपास पहुंच गई है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 396 पुष्ट केस है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें ऑलरेडी रद्द की जा चुकी हैं और यही वजह है दोस्तों कि ब्रिटेन और मलेशिया में करीब 280 हमारे भारतीय नागरिक अभी फंसे हुए हैं। उनके पास सिर छिपाने के लिए फिलहाल छत भी नहीं है, उन्होंने इसके लिए दूतावास में गुहार भी लगाई है। इसी बीच आपको पता होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनता कर्फ्यू काफी सफलतापूर्ण रहा। पूरे देश में कई शहरों में बिल्कुल सुमसान नजर आया और सब कुछ सुमसान ही था। शाम को 5 बजे लोगों ने ताली थाली घंटा बजाकर उन लोगों का, उन योद्धाओं का अभिवादन भी किया जो कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनको ऐसी तरह से सलाम किया। और इसी बीच इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है दोस्तों कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने झोंकी अपनी ताकत। जहां कोरोना जैसे घातक वायरस से निपटने के लिए हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो है ना, भारतीय वैज्ञानिक और उनसे जुड़े रिसर्च सेंटर, इन दोनों पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। इनमें
कुछ संस्थानों से जल्द ही कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। इनमें ही एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हैदराबाद स्थित CCMB सेंटर फॉर सेलुलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दिल्ली स्थित IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी वगैरह जैसे केंद्र शामिल है। इन संस्थानों को कई सफलताएं हाथ भी लगी है, हालांकि इन सभी का लेबोरेटरी में परीक्षण होना बाकी है। शोध संस्थानों से कोरोना के लिए बेहतर दवा, टीका और सस्ती किट तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय से जुड़ी स्वायत्त संस्था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने भी इस क्षेत्र में काम करने वाली देश भर के सभी एकेडमिक और रिसर्च संस्थानों से कोरोना वायरस के लिए बेहतर दवा, टीका और सस्ती किट तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगा है, जिसकी अंतिम तारीख 30 मार्च तय की गई है। अब देखते हैं 30 मार्च तक आखिर में क्या गुड न्यूज खुशखबरी देखने को मिलती है। इसके अलावा बोर्ड ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस से श्वसन तंत्र यानी कि सांस संबंधित समस्याएं होती है और ऐसे में जो भी संस्थान इसका एंटीवायरस तैयार करें उसके पास इसके परीक्षण का भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। बोर्ड ने इसके साथ ही शोध संस्थानों से मौजूद एंटीवायरल दवाओं से कोरोना के इलाज में उसकी उपयोगिता को देखते हुए बदलाव करने को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले लगातार दिन रात जुटे हुए हैं और हम सभी भारतीयों की तरफ से उनको यही दुआएं और रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की दवाएं बन जाए। ऊपर वाले से भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, जो कुछ भी आप मानते हो उनसे भी यही हमारी दुआ प्रे हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द इस दुनिया में कोरोना वायरस की दवाई बन जाए ताकि ये मानव सभ्यता मानव जाति के लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। और बाकी आप अपने घरों में रहे, मास्क सैनिटाइजर का यूज करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। जब तक वेरी 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 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी काम नहीं हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। ये आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, दोस्तों मित्रों, समाज के लिए और पूरे देश के लिए भी फायदेमंद और भलाई की बात होगी कि बेवजह घर से बाहर ना जाएं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज अलर्ट कोरोना वायरस को लेकर जरूर आपको जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना। हर इन्फॉर्मेशन हर दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों ताकि उनको भी तो पता रहे ना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कुछ भी आप चलाते हो उन पर शेयर करो ताकि दोस्तों को पता रहे कि क्या अपडेट चल रहे हैं देश में अभी कोरोना को लेकर। ठीक है, बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।